नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो यहां पर आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट टू कवर अप करने वाले हैं, और इसके पहले हम लोगों ने इसके भाग एक की चर्चा करी, जहां पर आपने चार अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को देखा जाना सीखा और इन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास भी हम लोगों ने किया। पहले हम लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को विस्तृत रूप से समझा और बाद में हम लोगों ने विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। जब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की, तो आपके परीक्षा में मुख्यतः प्रश्न यहीं से देखने को मिलते हैं, जो कि पोजिशन इंटरचेंज वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पोजीशन इंटरचेंज वाले जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसको लेकर के आप विद्यार्थियों के मन में एक फोबिया होता है, एक भय होता है, जबकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके यहाँ पर भी आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सेशन में शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के साथ कि कैसे बिना पेन एंड पेपर का यूज़ किए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पजल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ना केवल आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं, साथ ही साथ आप क्या करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल की हम बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का जो बेस होता है, इससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स का जो बेस है वो भी आपका डेवलप होता हुआ चला जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप होता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर पहले प्रकार के प्रश्न की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, फिर इसी पर बेस्ड कुछ डेटा को लेकर के हम समझेंगे और वापस से हम आएंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमें बनाना है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ इसको देखना है कि प्रश्न कैसे यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे और वापस इस क्वेश्चन को ओरली बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्न की बात करें, मैं डेटा कुछ लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा किसी एक पंक्ति में एक स्थान, किसी एक पंक्ति में एक स्थान बाएं छोर से कितना है, 22वां है, और बी का स्थान दाहिने छोर से, ध्यान दीजिएगा, बी का स्थान दाहिने छोर से कितना है, 18वां है। अब हमने कहा ये दोनों जब अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, जब ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि आपस में बदल लेते हैं, तो उस स्थिति में ए का जो नया स्थान, ए का जो नया स्थान है वो बाएं छोर से कितना हो जाता है, 27वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो ये पहला टाइप है, दूसरे टाइप की भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न को फिर से समझिए, मैंने कहा व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 22वां है, बी का स्थान दाहिने छोर से 18वां है, और जब ये अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए का जो नया स्थान है वो बाएं छोर से कितना हो जाता है, 27वां हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं उसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा न्यू पोजीशन ऑफ बी। ठीक है, बी का नया स्थान कहां से, फ्रॉम द राइट एंड। फिर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की कुल संख्या। फिर आपसे पूछा जाता है ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। न्यू पोजीशन ऑफ बी यानी कि बी का नया स्थान कहाँ से, दाहिने छोर से कितना हो जाएगा, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, और दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर इसको हम ओरली बना सकते हैं, लेकिन पहले इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे कि मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो आपका सर्वोपरि हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी फॉर्मूला वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। अब समझिए, ये व्यक्तियों की एक पंक्ति है जिसमें हमने कहा ए का स्थान कितना था, 22वां था। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ओवरलैपिंग का केस बनेगा या नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा, तो देखिए ए का स्थान पहले बाएं छोर से 22वां था, फिर बाएं छोर से ही 27वां हो गया, और ए ने अपनी स्थिति बदली किससे, बी से बदली, इट मीन्स बी कहाँ रहा होगा, ए के दाहिनी ओर रहा होगा, तभी ए की स्थिति में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस नहीं बनेगा। ये अगर ए का स्थान हम ले लेते हैं कितना, 22, और यहाँ कहीं हम ले लेते हैं किसको, बी को, जिसका स्थान कितना था, 18 था, कहाँ से था, दाहिने छोर से, ये कहाँ से था, बाएं छोर से। अब हमने कहा ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये बाएं छोर से कितनी है, 27वीं है, ये बाएं छोर से कितनी है, 27वीं है। अब समझिए, जब कभी भी हमें क्या निकालना होगा,
किसी भी पंक्ति में दो पर्टिकुलर पोजीशंस के बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करने होंगे, किसी भी पंक्ति में दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करने होंगे, ठीक है, दो अलग अलग पोजीशंस। तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशंस एक ही एंड से दी गई हो, जब कभी भी किसी पंक्ति में दोनों पोजीशन हमें एक ही एंड से पता हो तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे, दोनों के बीच का डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर -1। क्यों -1 कर रहे हैं, अगर हम बात करें बाएं छोर से ये है 27वां, बाएं छोर से ये है 22वां, दोनों का अंतर कितने का होगा, आप कहोगे 5 का, लेकिन इनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4। जैसे मैंने कहा ये ले लेते हैं L, ये ले लेते हैं O, इसकी प्लेस वैल्यू होती कितनी 12, इसकी प्लेस वैल्यू होती कितनी 15। स्टार्टिंग से ही हम जा रहे हैं अल्फाबेट के, ठीक है, स्टार्टिंग से ही हम जा रहे हैं। तो अगर 12 और 15 के बीच का अंतर देखें तो 3 होता है, लेकिन मैंने कहा इनके बीच 3 लेटर है, कौन कौन से बताओ तो जरा, तो आप क्या कहोगे कि सर इनके बीच तो 2 ही लेटर है, यानी कि हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इनके बीच का अंतर लेंगे। जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो संख्याओं का तो ध्यान दीजिए उसमें से एक संख्या को हमें कंसिडर करना होता है, लेकिन ना तो हमें 12 चाहिए ना तो हमें 15 चाहिए, हमें चाहिए कि इनके बीच की संख्याएं चाहिए, तो कौन कौन सी आएंगी, 13 प्लेस वैल्यू एम की और 14 प्लेस वैल्यू एन की, दो ही एलिमेंट होंगे। उसी प्रकार ये 22वां स्थान है, ये 27वां स्थान है, किधर से, बाएं छोर से ही, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे और -1 कर देंगे, इट मींस मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि ए को बी तक जाने के लिए 4 प्लस ए का 5 स्टेप लगे, तो बताओ बी को ए तक आने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे। तो जैसा कि बी में यहाँ पर आपको, ए में यहाँ पर आपको 5 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार बी में भी आपको 5 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम बात करेंगे बी की नई पोजीशन की, तो जितने का इंक्रीमेंट एक ही पोजीशन में हुआ, ध्यान दीजिएगा, जितने का इंक्रीमेंट एक ही पोजीशन में हुआ उतने का ही इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको बी की पोजीशन में भी देखने को मिलेगा। यानी कि बी का नया स्थान जब हम बात करेंगे दाहिने छोर से तो कितना हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। क्लियर, तो एक आपसे पूछता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो एलिमेंट 1 या जिसकी भी पोजीशन इंटरचेंज करके बताई जा रही उसकी प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन का अंतर लेंगे और -1 करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई, दोनों के एक ही व्यक्ति की जो अलग अलग आपको पोजीशन दिखाई दे, दोनों ही पोजीशन के बीच का अंतर लेना है, -1 कर देना, ये आ जाएगी आपके किसके बराबर, मिड वैल्यू के बराबर। फिर जब हमें ज्ञात करना होगा बी की न्यू पोजीशन या दूसरे व्यक्ति का नया स्थान, तो जितने का इंक्रीमेंट पहले व्यक्ति के स्थान में होगा या जितने की कमी पहले व्यक्ति के स्थान में आएगी, पोजीशन में आएगी, उतने का ही इंक्रीमेंट या कमी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन या स्थान में आपको देखने को मिलेगी। और जो तीसरा प्रश्न यहां पर आप, एक और बचा हुआ प्रश्न है जो आपका, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो समझ लीजिए कि जब ए यहां पर बी की स्थिति पर आया तो यहां पर ए की स्थिति बाएं छोर से कितनी हो गई, 27 हो गई, और अगर मैं ए की स्थिति दाहिने छोर से पूछूं इस पर्टिकुलर स्पॉट पर, तो आप कहेंगे कि जो बी का स्थान था 18वां वही ए का भी हो जाएगा, क्योंकि ए बी की ही जगह तो आया है। तो जब हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर हमें क्या ज्ञात हो, दाहिने छोर से भी पोजीशन पता हो, मान लेते हमने कहा बाएं छोर से 13 और दाहिने छोर से 4, तो क्या हम कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पहले हो जाएंगे कितने लोग, 12 लोग, और इसके बाद कितने लोग हो जाएंगे, 3, तो 12 और 3 15 प्लस 1 ही हो गया 16, या दोनों को जोड़ लेंगे 13 4 17 -1 कर देंगे 16। उसी प्रकार यहां पर जब ये 27वां है लेफ्ट से और राइट से है 18वां, तो दोनों का क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 45, 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा 45, और -1 कर देंगे तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 44, ठीक है, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 44। अब समझिए, दूसरा मैं यहां पर एक डेटा दे रहा हूं, उसके बेसिस पर यहां पर आपको आंसर निकालना है। मैंने कहा ए का स्थान कितना था, 15 था, बी का स्थान कितना था दाहिने छोर से, 8वां था, जब दोनों ने अपना स्थान परस्पर बदल लिया तो ए की जो नई स्थिति है वो बाएं छोर से कितनी हो गई, वो हो गई 20। अब तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो मैंने क्या कहा, ए की प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन के बीच का अंतर -1 क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4। फिर हमने कहा कि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो जो स्पॉट बाएं छोर से 20वां है वही स्पॉट दाहिने छोर से कितना हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो दाएं छोर से पोजीशन प्लस बाएं छोर से पोजीशन -1 कर दोगे तो कुल व्यक्तियों की क्या निकल करके आ जाएगी, संख्या निकल करके आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 27 के बराबर। अगर मैं पूछूं बताओ बी की नई पोजीशन दाहिने छोर से कितनी होगी, तो आप कहोगे इसमें 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो इसमें भी 5 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि बी का जो नया स्थान होगा वो दाहिने छोर से कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहां पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप ओरली आसानी के साथ में दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। ए का स्थान कितना था, 35 था, ए का स्थान कितना था, 35 था, और बी का स्थान कितना था,
33। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक नई पोजीशन कितनी हो जाती है, 43 हो जाती है। एक नई पोजीशन कितनी हो जाती है, 43 हो जाती है। अब तीन जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही प्रश्नों का उत्तर हम लोग फटाफट से ओरली निकाल लेते हैं। एक ही प्रीवियस पोजीशन और एक ही न्यू पोजीशन के बीच का अंतर -1 क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 35 और 43 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, -1 कर दोगे 7, किसके बराबर हो जाएगा, मिड वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर जो पोजीशन 43 एक ही बाएं छोर से है वही पोजीशन 33 कहां से है, दाहिने छोर से है। तो दोनों का सम करोगे कितना हो जाएगा, 43 प्लस 33 करोगे तो हो जाएगा 76, -1 कर दोगे तो संख्या बन जाएगी 75, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या किसके बराबर हो गई, 75 के बराबर हो गई। इसके बाद जब हम बात करते हैं बी की नई पोजीशन, तो यहां पर अगर आपको 8 का इंक्रीमेंट देखने को मिला तो यहां पर भी आपको 8 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 41 और 35 जो पोजीशन राइट एंड से 41 है वही पोजीशन लेफ्ट एंड से 35 है, दोनों का सम करोगे 76, -1 करोगे 75, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। यानी कि जितना आपसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सभी कॉन्सेप्ट यहां पर आप पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो दूसरा केस बनता है वो भी जान लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो दूसरे केस में क्या होता है, ओवरलैपिंग का केस, जब व्यक्ति की पोजीशन में क्या आती है, कमी आती है, जब व्यक्ति की पोजीशन में क्या आती है, कमी आती है। चलिए देखते हैं, इन अ रो ऑफ पर्संस पोजीशन ऑफ ए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। पोजीशन ऑफ ए इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये है ए, मान लिया हमने बाएं छोर से कितना दिया है, 27वां दिया है। फिर बोला है एंड पोजीशन ऑफ बी इज 21 फ्रॉम द राइट एंड, और बी की पोजीशन राइट एंड से कितनी है, 21 है। When they interchange their position, the new position of A becomes 17. अभी A की position में क्या आ रही, कमी आ रही, बाएं छोर से जो पहले 27 था अभी बाएं छोर से 17 है, मतलब कहां आ रहा है, वापस से लेफ्ट आ रहा है, वापस से कहां आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। यानी कि B कहां बैठा होगा, A के लेफ्ट में कहीं बैठा होगा, जिसकी पोजिशन 21 थी, कहां से, दाहिने छोर से। अब ये दोनों जब अपना स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कौन, ए, और ए यहाँ पर जब आया तो एक नई पोजीशन यहाँ पर कितनी बन गई, 17, और ये जो 17वीं पोजीशन है ये बाएं छोर से है, और ये 21वीं है ये कहाँ से है, दाएं छोर से है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो 21 प्लस 17 कितना हो रहा है, 38, -1 कर दोगे तो 37 क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। ए की पोजीशन में कितने की कमी आ रही, 10 की कमी आ रही, तो बी इधर जाएगा, यानी कि राइट से पहले पोजीशन दी गई थी, अब राइट से वापस से राइट जा रहा है तो उसमें भी 10 की कमी देखने को मिलेगी। तो पहले थी 21, अभी कितनी हो जाएगी, 11। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर 27 से हो जा रहा है 17, दोनों का डिफरेंस -1, यानी कि दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 9। तो चाहे आपका ओवरलैपिंग का केस हो, चाहे आपका नॉन ओवरलैपिंग का केस हो, दोनों ही केसेस में आप आसानी के साथ ओरली पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रुबीना बाई, ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। छात्रों की एक पंक्ति में रुबीना बाई ओर से 15वें और कविता दाई ओर से 17वें स्थान पर थी। देख लो, रुबीना बाएं से थी 15वें स्थान पर, और इसके बाद बोला है कविता दाएं से थी 17वें स्थान पर। जब वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो रुबीना पंक्ति के बाएं छोर से 29वीं हो जाती है, यानी कि रुबीना बाएं से कितनी हो जा रही है, 29वीं हो जा रही है। ठीक है, पूछा क्या है, दाईं ओर से कविता की स्थिति। मैंने कहा बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पर बेस्ड होगा। तो करना क्या है, रुबीना की पोजिशन में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें भी 14 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 17, 4, 21, 10, 31 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31st। क्लियर, तो इस प्रकार से आसानी के साथ। हाँ, ये उन छात्रों के लिए जरूर थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक पहला सेशन नहीं देखा है तो पहला सेशन जाकर के जरूर देखें, जहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और प्रश्न देखते हैं, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लड़कों की पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंथ दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वां हो जाता है। बताओ, बाईं ओर से पहले 5वां था, अभी कितना हो जा रहा है, 13वां हो जा रहा है। तो 5 से 13 यानी कि 8 का इंक्रीमेंट। पूछा क्या है, दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति, इसमें जब 8 का इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें भी 8 का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि बताओ कितना टाइम लगा, जिस क्वेश्चन से आप डरते थे, जिस कॉन्सेप्ट से आपको फोबिया था, वो इतना आसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपको इवन पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आसानी के साथ आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, बशर्ते बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आपके पास, मैंने बताया कि एक ब्रह्मास्त्र है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को लेकर के। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है, यदि उनकी स्थितियों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो अक्षय का स्थान नीचे से कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर अक्षय की, ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर है जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर, नीचे से 18वें स्थान पर यदि उनकी स्थितियों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अक्षय का स्थान नीचे से 15, जो कि नीचे से पहले 18 था अभी कितना हो गया, 15 हो गया। कितने की कमी आई, 3 की कमी आई। पूछा क्या जा रहा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो जो यहाँ पर नीचे से 15वीं स्थिति है यही आपसे शीर्ष से क्या हो जाएगी, टॉप से क्या हो जाएगी, 6वीं स्थिति हो जाएगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जो टॉप से 6वीं है, बॉटम से 15वीं है, तो कुल हमसे पूछा जा रहा है व्यक्तियों की संख्या, तो 15 और 6 21 माइनस 1 कर दोगे तो 20 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसानी के साथ आप यहां पर क्वेश्चन को बना सकते हैं। टॉप और बॉटम के लिए मैंने कहा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप लेफ्ट और राइट वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। देखो लेफ्ट और राइट वाले का ही यूज करेंगे। ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर है, ये मान लेते हैं ऋतिक है 6वीं पोजीशन पर है, और उसके बाद नीचे से अक्षय बात कर रहे हैं कितने स्थान पर है, ओवरलैपिंग का केस बनेगा, ये अक्षय हो गया, ठीक है, ये अक्षय हो गया 18वें स्थान पर है, कहां से, दाएं छोर से। अब परस्पर जब ये बदल ले रहे हैं तो यहां पर अक्षय दाहिने छोर से कितना हो जा रहा है, 15वां, तो दाएं छोर से जो पोजीशन 15वीं है, बाएं छोर से 6वीं है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि इसके इधर कितने लोग, 14 लोग, इसके इधर कितने लोग, 5 लोग, तो 14 5 19 प्लस 1 यहां पर ये वाली पोजीशन कितने हो गए, 20। क्लियर, तो आपको टॉप और बॉटम बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे पजल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और कुछ मिसलिनियस प्रश्नों की भी चर्चा उसके पहले हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कुछ मिसलिनियस प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब ललिता को बाईं ओर से 9 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, समझो कुल व्यक्ति कितने थे, मैंने कहा ये क्या है आपका ब्रह्मास्त्र है, स्ट्रक्चर क्या है, ब्रह्मास्त्र, कुल व्यक्ति कितने थे, 40। स्ट्रक्चर बनाते चलिए, क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ दिखाई देगा, क्लियर, कुल व्यक्ति थे 40, बोला जा रहा है जब ललिता को बाईं ओर से 9 स्थान स्थानांतरित कर जाता है, मान लेते हैं ललिता यहां पर थी और इसको 9 स्थान स्थानांतरित कर दिया, का मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे, ठीक है, कर दिया गया, तब पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 14वां हो गया, तब पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर कितना हो गया, 14वां हो गया। सुनीता पंक्ति के दाईं ओर से किस स्थान पर होगी, यदि सुनीता ललिता की मूल स्थिति के दाईं ओर 6वें स्थान पर थी, ये थी ललिता की मूल स्थिति, इसके दाईं ओर 6वें स्थान पर थी, यानी कि इनके और सुनीता के बीच कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, ये हो गई सुनीता, ठीक है। अब हमें पता है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40, तो समझो ये 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया, 22, 22 और 1 23, 23 5 28, 28 1 29, यानी कि बाएं छोर से कितना, 29वां, कुल व्यक्ति कितने, 40, तो 29 के बाद कितना बच गया, 11। अब सुनीता की पोजीशन हमें गिननी कहां से, दाहिने छोर से, सुनीता की पोजीशन हमें गिननी है दाहिने छोर से, तो समझिए पहले 11 लोगों को गिनेंगे फिर नंबर आएगा सुनीता का, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इट मींस जितना आपसे बोला जा रहा है उतने के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते चले जाइए, दिया गया डेटा आपके पास ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, जिसको आप आसानी से यहां पर कैलकुलेट करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कैसा भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, यहां पर कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। पूर्व की ओर मुख किए छात्रों की पंक्ति में ए बाएं छोर से 18वें स्थान पर, मैंने कहा पूर्व की ओर मुख करे पश्चिम की ओर मुख करे हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता, फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता है, तो मैंने क्या कहा, ये आपके सामने मैप, ठीक है, ये मैप है, अभी टेंशन मत लो, इसको बनाते हैं फिर बताता हूं मैं क्या करना है आपको फाइनली, ठीक है। पूर्व की ओर मुख किए हुए छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 18वें स्थान पर, मैंने कहा पूर्व पश्चिम छोड़ दो, अभी ए बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, यहां पर हमने ले लिया ए, ये हो गया आपका 18वीं पोजीशन, और सी दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है, बी ए के दाएं से 4था तथा सी के बाएं से 5वां है, तो यहां पर पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो बी है वो ए के दाएं से 4था, यानी कि यहां पर 3 व्यक्ति हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी, और यही बी जो है वो आपका क्या है, सी के बाएं से 5वां स्थान पर है, यानी कि यहां पर 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा सी, और सी की पोजीशन दाहिने छोर से कितनी दी गई थी, 17वीं दी गई थी, क्लियर, सी की पोजीशन दाहिने छोर से दी गई थी कितनी, 17वीं, स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है, स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है। पूछा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, समझो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, तो इसकी पोजीशन है कितनी, 17, 17 के बाद कितने व्यक्ति मिल गए, 4 व्यक्ति, 4 एक 5 व्यक्ति, 5 और 3 8 व्यक्ति, 17 के बाद कितने व्यक्ति मिल गए, 8, यानी कि हो गया कितना, 25, और 25 में 18 व्यक्ति यहां तक हो गए, तो 25 और 18 कितना हो गया, 25 और 8 33 10 43, एक तरीका। दूसरा तरीका,
सबको गिन डालो। इसके पहले कितने लोग होंगे बताओ, ए को एक व्यक्ति मान लो, सी को एक व्यक्ति मान लो, इसके बाद कितने लोग, 16 लोग, इसके पहले कितने लोग, 17 लोग, क्योंकि इसकी पोजीशन 18वीं है। तो 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30 10 40, अब बचा कौन कौन, ए बी और सी, कितना हो गया 43। जैसे मन करे वैसे बनाओ। अब ये जो दाएं बाएं पूर्व पश्चिम वाली स्थिति, मैंने कहा जब दिल ना माने बना लेना ऐसे, फिर भी अगर दिल नहीं मानता है तो क्या कर लेना, लो करा दिए पूर्व की तरफ मुख सबका, ठीक है। देख लो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी देखोगे यहाँ तक 17 लोग मिल गए, फिर 3 मिल गए 20, फिर 4 मिल गए 24, फिर 16 मिल गए 40, बचे ए बी सी, इनको भी गिन लो कितने हो गए 43। तो पूर्व की ओर मुख करें, पश्चिम की ओर मुख करें, दक्षिण की ओर मुख करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 60 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। इस बार CGSI की परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन मैंने SI का जो कोर्स था वहाँ पर भी मैंने कवर अप कराया था बच्चों को। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको बात करें तो डेटा ये देखने को मिला है, जहाँ पर 60 व्यक्तियों की बात करी जा रही थी जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों के कंपेरिजन में दोगुनी थी। तो आपकी परीक्षा में भी बिल्कुल संभावित है, तो इसलिए सभी यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं, मेरा यही प्रयास है कि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर अप कराया जाए, ठीक है। तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, मेहनत करें, क्वेश्चंस को बनाएं, और जहाँ कहीं पर भी आपको कोई संशय है, दुविधा है, डाउट है, आप हमारे साथ में डिस्कस करें। कनेक्ट टू टीचर के माध्यम से हो, आप हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे, 60 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, तो लड़कियां हो जाएंगी 40, लड़के हो जाएंगे 20, क्लियर। आगे बोला है सोहन बाएं छोर से 33वें स्थान पर है। सोहन बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 33वें स्थान पर है, तो ये हो गए आपके मिस्टर सोहन, ठीक है, बाएं छोर से हो गए 33वें स्थान पर। और यहाँ पर सोहन क्या है, एक लड़का है, ये आप ध्यान दीजिए, हिम लिखा हुआ है, ठीक है, सोहन एक लड़का है। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे आपसे बोला जा रहा है, और सोहन के दाईं ओर 19 लड़कियां, सोहन के दाईं ओर कितनी लड़कियां, 19 लड़कियां, तो कुल व्यक्ति 60 थे, ये हैं आपके मिस्टर सोहन, कुल व्यक्ति कितने थे 60, 33 यहां तक हो गए, तो इसके बाद कितने बचेंगे बताओ, तो आप कहोगे इसके बाद बचेंगे 27, इसके पहले कितने बचेंगे, तो इसके पहले बचेंगे 32। इन 27 में से क्या है, इन 27 में से 19 हैं लड़कियां, 19 हैं लड़कियां, 19 अगर लड़कियां होगी तो 8 क्या हो जाएंगे बताओ, 8 हो जाएंगे लड़के, 19 अगर लड़कियां होगी तो 8 हो जाएंगे लड़के। उसके बाईं ओर लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, बाईं ओर कितने लड़के, तो लड़के थे कुल कितने, कुल कितने लड़के थे 20, लड़कियां कितनी थी 40, समझिए बाईं ओर हमें बताना लड़के, तो 8 लड़के यहां मिल गए, 8 एक 9वां लड़का, ये हो गया, अब बचेंगे कितने 11, यहाँ पर हो जाएंगे 11 लड़के। अब इसको मैं वेरीफाई भी करा दे रहा हूँ, कुल थे 32 लोग, 32 में से 11 अगर हमने निकाल दिए लड़के, तो 21 क्या हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी। लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी 40, तो देखो 21 लड़कियाँ यहाँ मिल गई, 19 लड़कियाँ यहाँ मिल गई, तो लड़कियों की संख्या भी बन गई 40। तो चाहे लड़कियों की संख्या पूछे, चाहे लड़कों की संख्या पूछे, जितना डेटा दिया गया है, जैसा डेटा दिया गया, बस आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं, आंसर आपका अपने आप देखने को मिल जाएगा, क्लियर। तो जब हम बात करेंगे सोहन के बाईं ओर लड़कों की संख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, तीन व्यक्ति पी क्यू और आर एक कतार में खड़े हैं, तीन व्यक्ति पी क्यू और आर एक कतार में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच 8 लोग हैं। देखो पी और क्यू के बीच 8 लोग हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पी और क्यू के बीच 8 लोग दो प्रकार से हो सकते हैं, अगर यहां पर हम क्यू को बना लें, यहां पर हम पी को बना लें, तो भी तो 8 लोग हो गए, हो गए ना, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तथा Q और R के बीच 14 लोग हैं, Q और R के बीच 14 लोग हैं, तो Q और R के बीच 14 लोग दो तरीके से हो सकते हैं, तो इसके लिए भी दो केस और इसके लिए भी दो केस। अब Q और R के बीच 14 लोग, तो 8 और एक यहां पर लिखेंगे P, तो बना 8 एक 9 5, ये हो गया बन गया R। फिर देखेंगे यहां पर लिख लेते हैं हम 14 लोग और यहां पर हम लिख लेते हैं R, दो केस इसके लिए बन गया, ठीक है, और दो ही केस इसके लिए बनेगा, Q और R के बीच 14 लोग, तो 8 एक 9 5 14, ये हो गया R, और यहां पर लिख लेते हैं हम 14 लोग और ये हो गया R, दो केस
इसके लिए बन गया। ठीक है, जितना बोला जा रहा था उतना हमने किया। अगर मल्टीपल यहां पर स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं तो हमने मल्टीपल स्ट्रक्चर को बनाया और आगे दी गई कंडीशन को हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है यदि केवल 13 लोग आर के आगे हैं, आर के आगे अगर केवल कितने लोग हैं 13 लोग हैं, तो यहां पर गिनते हैं 5, 6, 8 से 14, ये कंडीशन कैंसिल। आर के आगे यदि केवल 13 लोग हैं तो यहां पर बिल्कुल बना सकते हैं हम। यहां पे देखते हैं आर के आगे 13 लोग हैं, ये कंडीशन कैंसिल। आर के आगे 13 लोग हैं, यहां पर बिल्कुल हम 13 लोगों को रख सकते हैं। ठीक है, आगे बोला है और 15 लोग पी से पीछे, और पी से पीछे कितने लोग हैं 15 लोग हैं, तो यहां पर पी से पीछे बना लेते हैं 15 लोग, और यहां पर पी से पीछे 15 लोग यानी कि 8, 1, 9 और 6, 15। तो एक स्ट्रक्चर ये बन करके आ गया और एक स्ट्रक्चर ये बन करके आ गया फाइनल। ठीक है, फाइनल हमारे पास दो स्ट्रक्चर बन करके आए हैं। पूछा क्या है यहां पर, कतार में बैठे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पी और क्यू के बीच में 8 लोग बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में 14 लोग हैं, आर के आगे 13 लोग हैं, पी के पहले 15 लोग हैं। यहां पर भी फॉलो हो रहा है, क्यू और पी के बीच 8 लोग हैं, क्यू और आर के बीच में 14 लोग हैं, आर के आगे 13 लोग हैं और पी से पहले 15 लोग हैं। ठीक है, 8, 1, 9, 6, 15, तो सारी की सारी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही दोनों में, लेकिन पूछा है हमसे न्यूनतम संख्या। तो जहां पर कम वाली संख्या है वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये हो जाएगा 6, 1, 7, 15, 15, 1, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22, 22 और 13, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो देख रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है दोनों स्ट्रक्चर दी गई कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अगर यहीं पर आपका कोई विकल्प दे दिया गया होता सीएनडी, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आप बिल्कुल इस विकल्प के साथ जाते। अगर आपको एक विकल्प आइदर और का देखने को मिलता यानी कि 15, 1, 16, 8, 24, 1, 25, 4, 29, 10, 39, 41 और 13, 53, एक विकल्प दिया गया होता आइदर 35 और 53, तो आप इस वाले विकल्प के साथ जाते, क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 35 व्यक्ति होंगे कि 53 व्यक्ति होंगे, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर यहां पर इनकी दी गई कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको धीरे 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 क्या करना है, अपने लेवल को अपडेट करते हुए चलना है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका पजल फॉर्म पर जो बेस्ड है। यहां पर भी हमें क्या करना है, दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर केवल और केवल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना होता है, दैट्स इट। क्वेश्चन आपका आसानी के साथ बनेगा, बिना किसी कठिनाई के बनेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, के एल से लंबा है, के एल से लंबा है। अगर लंबे व्यक्ति को हम ऊपर रख लें, के एल से लंबा है, चलो के जो है वो एल से ऊपर होगा, एम एन से लंबा है, एम जो है वो एन से ऊपर होगा, लेकिन ओ से छोटा, एम एन से तो लंबा है लेकिन ओ से क्या है, छोटा है, यानी कि ओ के नीचे होगा और एन के ऊपर होगा। आगे बोला जा रहा है एल एन से छोटा है, एल जो है वो एन से छोटा है और एन के से लंबा है, एन जो है वो के से लंबा है, तो इट मीन्स यहाँ पर के हो गया और एल जो है वो के से भी छोटा है, एन से भी छोटा है, तो यहाँ पर आ गया। अब बताओ व्यक्ति कितने थे, यहाँ पर 5 ही व्यक्ति यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 ही व्यक्तियों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा फाइनली बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। हमने एडिशनल कुछ नहीं किया, जितना बोला गया हमने सिर्फ उतना किया। कैसे, के एल से लंबा है तो के को रख लिए थे कहाँ, ऊपर, एल को रख लिए थे नीचे। फिर बोला गया एम एन से लंबा है तो एम को रख लिए ऊपर, एन को रख लिया नीचे, और आगे बोला है लेकिन उसे छोटा है, अब एन से लंबा है उसे छोटा है, तो ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। फिर बोला जा रहा है एल एन से छोटा है और एन के से लंबा है, एन के से लंबा है, तो हमें पता है कि एल एन के नीचे होगा एज वेल एज के भी नीचे होगा, क्योंकि पहले ये स्ट्रक्चर हम बना चुके थे। तो यहां पर आ जाएगा आपका एल, 5 व्यक्तियों का अरेंजमेंट बन करके तैयार है। पूछ रहा है हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं, ए केवल सी और ई से लंबा है, ए केवल सी और ई से लंबा है, समझिए। अब ये हो गया ए, अब ये केवल सी और ई से लंबा है, तो यहां पर सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ये हो गया ए, यहां पर ई भी हो सकता है, यहां पर सी भी हो सकता है। अब व्यक्ति हैं 6, इट मीन जो 3 स्पॉट होंगे वो डेफिनेटली ए के ऊपर होंगे, यहां पर भी जो 3 स्पॉट होंगे वो डेफिनेटली ए के ऊपर होंगे, क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है, बी डी से छोटा है, लेकिन बी डी से क्या है, छोटा है,
लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं, लेकिन डी टॉप पर नहीं है। डी टॉप पर नहीं तो बताओ क्या क्या बनेगी स्थिति, क्या क्या बनेगी स्थिति। यहाँ पर हम रख लेंगे डी को, यहाँ पर हम रख लेंगे बी को, यहाँ पर हम रख लेंगे डी को, यहाँ पर हम रख लेंगे बी को। अब बचा कौन एक व्यक्ति, बचा एक व्यक्ति एफ, बचा एक व्यक्ति एफ। प्रश्न में क्या हमसे पूछा है, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो हम बता पा रहे हैं, सबसे लंबा तो हम बता पा रहे हैं क्या, ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमसे पूछा होता शॉर्टेस्ट या सेकंड शॉर्टेस्ट के लिए, तो यहां पर फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन का कॉम्बिनेशन आपको देखने की आवश्यकता होती, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको बनाने की जरूरत पड़ती। आइदर और के साथ भी हम जा सकते थे, हम सीएनडी के साथ भी जा सकते थे, और इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देता तो हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि ऑप्शन का प्रेफरेंस ऑर्डर हमें कैसे पिक करना होता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, पी क्यू आर एस टी और यू छह मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी और यू छह मित्र हैं, ठीक है। टी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो टी को रख लेते हैं टॉप पर। अब छह मित्र हैं तो पांच इनके क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। जबकि क्यू ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, कंडीशन क्या है कि क्यू यहां पर बॉटम पर नहीं आएगा, ठीक है। जितना बोला जा रहा है उतना हमने यहां पर बना लिया। आर के अंक एस से अधिक, आर के अंक एस से अधिक थे, तो आर क्या हो जाएगा, एस के ऊपर हो जाएगा। आर के अंक एस से अधिक थे, क्यू के अंक एस से कम थे, क्यू के अंक क्या थे, एस से कम थे, यानी क्यू कहां बैठेगा, एस के नीचे बैठेगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एस के अंक यू से अधिक थे, एस के जो अंक हैं वो यू से भी अधिक हैं। चलो भाई देख लेते हैं, एस के जो अंक हैं वो यू से भी अधिक हैं। अब यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एक बात स्पष्ट हो रही है कि आर के नीचे एस भी रहेगा, आर के नीचे U भी रहेगा और R के नीचे Q भी रहेगा, यानी कि R के नीचे एटलीस्ट हमें कितने पोजीशन चाहिए, तीन पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। R के नीचे हमें तीन पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए। आगे देखते हैं, R को दूसरा उच्चतम अंक नहीं मिला, R को दूसरा उच्चतम अंक नहीं मिला, इट मीन्स दूसरा उच्चतम नहीं मिला, तो अब R के लिए एक कंडीशन ही बचती कि R को डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स करना ही करना है। क्यों, क्योंकि R के नीचे हमें एटलीस्ट तीन व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, ठीक है। R के नीचे हमें तीन व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। दूसरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि S के नीचे हमें दो व्यक्ति चाहिए, S के नीचे हमें दो व्यक्ति चाहिए, तो S निश्चित रूप से यहीं पर हम रख सकते हैं, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। अब Q यहाँ पर हो नहीं सकता, Q यहाँ पर हो नहीं सकता, तो Q निश्चित रूप से कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और U क्या हो जाएगा, बॉटम मोस्ट हो जाएगा। बचा हमारे पास एक व्यक्ति कौन, P, जिसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे, और इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा फाइनल बन करके तैयार है। पूछा क्या है, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि U ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से प्रश्न आसानी के साथ आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बन करके आपके सामने तैयार है। दी गई इंफॉर्मेशन को हमें लिखना होता है, जो फिक्स हो रही है उसे फिक्स कर लिए, जो नहीं फिक्स हो रहा उसे एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम क्या करते हैं, लिख करके रख लेते हैं। क्यों लिख करके रख लेते हैं, कि हमें बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार हमें पैराग्राफ की तरफ देखने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर, चलिए अगले जब हम प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने में ये प्रश्न लेंदी लग सकता है, ये प्रश्न आपको देखने में लेंदी लग सकता है, लेकिन मैंने कहा कि जैसा जैसा आपको दिया गया डेटा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को बनाते चलना है, ठीक है। वैसे वैसे आप इन्फॉर्मेशन को रीड करते चलिए और स्ट्रक्चर को बनाते चलिए। बोला जा रहा है छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, उनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, यानी कि इस बार बात करी जा रही है वेट की। बोला जा रहा है डी एफ से भारी है, डी एफ से भारी है, तो चलो बना लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, एफ के कहीं ना कहीं ऊपर होगा। अब इनके बीच व्यक्ति हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे बोला जा रहा है ए ई से भारी है, ए ई से भारी है लेकिन एफ से हल्का है, इट मींस एफ के नीचे ए और ई आएंगे, ए और ई एफ के नीचे आएंगे, ठीक है। अब इनके बीच व्यक्ति हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे बोला जा रहा है कोई भी सी से भारी नहीं है, यानी कि सी क्या है, टॉप मोस्ट पर होगा। सी कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पर होगा, यानी कि सी के नीचे पांच व्यक्ति होंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। सी के नीचे पांच व्यक्ति होंगे, चार व्यक्तियों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है यहां पर ए दूसरा सबसे हल्का नहीं है, ए दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, तो समझो यानी कि ए और ई के बीच में भी एक व्यक्ति हो सकता है और ई के नीचे भी एक व्यक्ति हो सकता है। अब यहां पर इनके जब हम स्पॉट या पोजीशन को फिक्स करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ए, यहां पर हम रख सकते हैं ई को, ठीक है। एक हम बना सकते थे सी डी एफ ए, यहां पर हम बनाते ई, तो जो बचा हुआ व्यक्ति है, जो रिमेनिंग पर्सन है, जो कि क्या यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ए हो गया बी, यानी कि यहां पर बचा बी, ठीक है। तो दो अलग अलग यहां पर पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन करके आ रही हैं,
दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन करके आ रही हैं, बात करेंगे हम पूछे गए प्रश्न की। आगे दिया गया है जिसका वजन सबसे कम है वह 26 किलो है। जिसका वजन सबसे कम है वह कितना है? 26 किलो है। चौथा सबसे भारी व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा सबसे भारी व्यक्ति कितना है? 37 किलो है। चौथा सबसे भारी व्यक्ति कितने किलो का है? 37 किलो का है, और ये आपका है 26 किलो का, ठीक है। ई का भार एक सम संख्या नहीं है, और बोला जा रहा है ई का भार एक सम संख्या नहीं है, मतलब यहां पर ई नहीं आ पाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, समझो। क्यों? क्योंकि ई का भार एक सम संख्या नहीं है, तो बचा हमारे पास ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बचा जिसमें ए का भार आ गया 37 किलो और बी का भार आ गया 26 किलो। स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार। ई का भार एक सम संख्या नहीं बोला, ई का संभावित भार कितना होगा? ई का संभावित भार, संभावित भार क्या होगा? 26 से अधिक होगा, 37 से कम होगा। तो 26 और 37 के बीच में कौन सी संख्या दिखाई दे रही? एक ही संख्या दिखाई दे रही, 33, जो कि क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? दी गई इंफॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, क्लियर। अब यहां पर देखो, उसी प्रश्न से यहां पर एक और आपको उसी दिए गए डाटा से एक और प्रश्न देखने को मिला। एफ और 26 किलो भार वाले व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति हैं? एफ और 26 किलो भार वाले व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो यहां पर देखिए, ये 26 किलो भार और ये है एफ, तो कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा यहां पर? दो। आंसर क्या बन जाएगा? दो। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है। कितने व्यक्ति डी से हल्के हैं? कितने व्यक्ति डी से हल्के हैं? तो सी टॉप पर था, उसके बाद था डी। सी टॉप पर था, उसके बाद था डी। तो आसानी के साथ इसका भी उत्तर आप दे ही सकते हैं। तो होमवर्क के लिए कोई अलग से आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर चार व्यक्ति आपको बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। यानी कि डी से हल्के कितने व्यक्ति हैं? चार व्यक्ति हैं, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो ये हो गई बात ऑर्डर एंड रैंकिंग की। इसी को आप फॉलो कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए। हालांकि कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैं अभी आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।